तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सूजी के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही कम इनसे बहुत ही झटपट ही बने होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं देखने में जितने मज़े लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। आप इसको बना के फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ऊपर से एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम जूसी होते हैं, तुरंत ही मुँह में डालते ही घुल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया। आप यहाँ पे कोई भी बाउल वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें एक कप सूजी ले लेंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है, इसको आप अच्छे से छान के सूजी को ले लीजिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे हम एक कप दूध ले लेंगे। जिस कप से आपने सूजी ली है उसी कप से हमें यहाँ पे दूध ले लेना है। दूध जो है आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना ही हमें ठंडा ना ही हम गर्म लेंगे। इसको इसमें डाल देना है, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम इसमें पूरा दूध जो है हमें डाल देना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से आपको ऊपर नीचे करते हुए हर साइड से इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने एक कप पूरा दूध डाल दिया है और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से इसको कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से सेट होने के लिए रख देंगे। अब देखेंगे हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से वो फूल जाएगी और ये जो दूध जो वगैरह है जो एकदम सूख जाएगा। चलिए तब तक हम इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे। यहाँ पे हमने जो है 1.5 टीस्पून इसमें देसी घी डाल दिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, घी को हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने काजू और बादाम लिए थे जिसको हमने इस तरह से काट लिया था। आप जिस तरह से चाहें उसको काट सकते हैं, जो शेप देना चाहें उस तरह से आप इसको काट लीजिए। अब इसको हमें फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई रखा है और हाई फ्लेम पे हम डाल इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलना चाहिए, बस हल्के से हमारे जो है काजू बादाम क्रंची हो जाए, बस इतना ही हमें इसको फ्राई कर लेना है। इधर आप देख सकते हैं हमारा काजू और बादाम वो अच्छे से फ्राई होने लगा है, अच्छे से ये क्रंची होने लगा। इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून किशमिश डाल देंगे। आप किशमिश की क्वालिटी अपने आप से बढ़ा या भी घटा भी सकती हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें नहीं डालिएगा, इसको स्किप भी कर सकती हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। देख सकते हैं इसको भी हमें अच्छे से इसी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमें इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। देख सकते हैं सभी चीज़ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई, किशमिश वगैरह भी हमारी अच्छे से फूलने लगी है। इसको हम किसी बर्तन में जो है ट्रांसफर कर लेंगे। इधर हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। इसको हम साइड रख देंगे इस तरह से, तो ठंडा होने के लिए। चलिए हम देखते हैं हमारी सूजी का क्या हाल है। इधर आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल गई, दूध वगैरह एकदम एब्जॉर्ब हो गया है इसमें। अब दूध आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दिख रहा, सूजी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इधर हमने फिर से वही पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पे हमने 1 कप तेल डाला है। इसी के साथ ही इसमें हम 2 टीस्पून जो है घी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ आप इसको जो है घी में भी फ्राई कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसको सिर्फ तेल में ही फ्राई कर सकती हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर जो हमारा सूजी का बैटर है उसको हमें इस तरह से इसको छोटा छोटा सा उठाना है और इसमें इस तरह से डालते जाना है। डाल के इसको अच्छे से अलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। इधर हमने इसी तरह से जो है अपने सूजी सूजी के बैटर को इस तरह से डाल दिया है। इस तरह से आपको छोटा छोटा सा डाल देना है। डाल के इसको अलट पलट करते हुए हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा लाल कलर हमें इसका नहीं करना है, बस इसी तरह से हल्का हल्का सा बस गोल्डन कलर होना शुरू होगा, बस उतना ही हमें इसको फ्राई कर लेना है। जैसे कि बहुत ही अच्छे से ये फूल जाता है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं हमने सभी जो है अच्छे से सूजी को जो है वो फ्राई कर लिया। इस तरह से हल्का हल्का सा पिंक कलर आ गया है, दोनों ही साइड से इसको अच्छे से अलट पलट करते हुए हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब सभी को हमें एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। इस तरह से हम सबको एक बर्तन में निकाल लेंगे, निकाल के उसको साइड रख लीजिए अच्छे से ठंडा हो जाए। इधर हमने सभी सूजी से बनाए हुए पेड़ों को निकाल लिया था, अच्छे से फ्राई हो गए थे। जो हमारा बैटर बचा था उसको भी हमें डाल देना है और सभी को इसी तरह से अलट पलट करते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो आपने निकाला है अब उसको साइड रख दीजिएगा, वो अच्छे से जो है वो हमारे ठंडे हो जाए, ठंडे होगी इस तरह से क्रंची हो जाएंगे। इस तरह से इसमें तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, इसको डीप फ्राई नहीं करना होता है। इसी तरह से आप थोड़े से तेल में आप या फिर घी में इसको अच्छे से फ्राई कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर आप देख सकते हैं हमारे जो बचे हुए थे हमने उसको भी डाल दिया था। डाल के इसको भी हमने अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया, बस एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने के लिए इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है। इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे और निकाल के हम सबको साइड में रखेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो ठंडे हो जाएँ।
इधर हमने इसको साइड रख दिया था, ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए। इस तरह से हमें इसको दो टुकड़े कर लेने हैं और करने के बाद इसको हमें ग्राइंडर जार में डाल के इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। इधर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे एकदम फाइन पाउडर हमें इसको इस तरह से तैयार कर लेना। अभी इसको ठंडा करके अच्छे से डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा ही डाला था, अभी हमारा थोड़ा बाकी, थोड़ा थोड़ा करके इसका हमें इसका पाउडर इस तरह से तैयार कर लेना है और इसको एक बर्तन में जो है इस तरह से इसको ट्रांसफर करते जाइए। इधर हमने इसी तरह से अपनी सभी सूजी को जो है ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर एकदम तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हल्का सा गर्म ही रखिएगा, एकदम हमें जो है बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है, बस हल्का हल्का इतना गर्म रहे कि आप इसको यहाँ पे सह सकती है। इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें हम 2 टेबल स्पून गरी का बुरादा डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे, अगर आपके पास गरी का बुरादा ना हो तो आप फ्रेश गरी को लेके इसको आप कद्दूकस कर लीजिए। इस तरह से आपको इसको डाल देना है। इसी के साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून जो है इसमें हम छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही खुशबूदार ये बनके तैयार होगा। इसी के साथ ही इसमें 1/2 कप यहाँ पे हमें चीनी का पाउडर डाल देना है। आप चीनी ले लीजिएगा इस तरह से कप से नाप के और उसको ग्राइंडर में डाल के उसका इस तरह से पाउडर तैयार कर लीजिएगा और आपको इसमें डाल देना है। इससे आपका जो है इसी तरह से किसी प्याली वगैरह से आप मेजरमेंट कर लीजिए, जिससे आप 1 कप जो है सूजी लेंगे तो उसी से यहाँ पे 1/3 कप जो है हमें यहाँ पे शक्कर को ले लेना है, या चीनी ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसी के साथ ही यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप जो है हमें रोज वाटर का डाल देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को जो है फ्राई करके रखा था उसको हमें डाल देना है। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी को आप अच्छे से गर्म कर लीजिएगा हल्का सा, उसके बाद ठंडा करने के बाद आपको इसमें डाल देना है। 1.5 टीस्पून इसमें हमने घी डाल दिया। अगर आपको कम लगता है इसको इस तरह से बाइंड कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इधर आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला था, और ज़्यादा घी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अच्छे से जो है इसमें घी वगैरह मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं इसके हमें यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से लड्डू उठाने हैं और इस तरह से बना देना है। जितने बड़े लड्डू बनाना चाहें आप उस हिसाब से इसके जो है लड्डू बना सकती हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरह से इसके छोटे छोटे लड्डू जो है बना लिए हैं। इसी तरह से हमें सभी लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। आप जैसे चाहें इसके बड़े साइज़ के या फिर और कोई शेप देना चाहते हैं तो आप उस प्रकार के भी इसके लड्डू बना के तैयार कर सकती हैं। इधर आप देख सकते हैं हमारे सभी सूजी के लड्डू बनके एकदम तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट से और मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू बनके तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।